भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में, पूरे राजस्थान में हल्ला बोल रही है। बिजली की जो दरें बड़ी जिससे से बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। और सबको पता है कि जब लॉकडाउन में हर राज्य में मांग उठ रही थी कि बिजली के बिलों को माफ कर देना चाहिए, वहीं राजस्थान सरकार ने माफ करने के बजाय बहुत ज्यादा दरें बढ़ा दी है। साधारण घर जहाँ पर एक पंखा एक बल्ब जलता है, वहाँ पर 1,000 1,500 के बिल आ रहे हैं। साधारण लोगों के अगर 5,000 के बिल आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन सुजानगढ़ में किया जा रहा है। सुजानगढ़ के गांधी चौक का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापिस लेने के लिए और लॉकडाउन के दौरान बिलों को माफ करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका जा रहा है सुजानगढ़ के गांधी चौक में। बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ ये प्रदर्शन भाजपा कर रही है सुजानगढ़ के गांधी चौक में। भाजपा के प्रदर्शनकारी अब गांधी चौक से जुलूस के रूप में जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के लिए ज्ञापन देने के लिए रवाना हो रहे हैं। बिजली दरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। बिजली दरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं सुजानगढ़ में। बहुत बड़ी संख्या में लोग आप देख रहे हैं प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं महिला मोर्चा भी इस प्रदर्शन में भाग ले रही है। इस समय ये जुलूस का लुक ले चुका है प्रदर्शन। गांधी चौक में पुतला दहन किया गया था अशोक गहलोत का। राजस्थान में जिस तरह से गहलोत सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई है, उसके खिलाफ पूरे राजस्थान में लोगों में रोष है। और लोग उम्मीद कर रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे, बजाय माफ़ करने के सरकार ने बहुत ज़्यादा बिजली की दरें बढ़ा दी है। और आज भाजपा जो विपक्ष हैं वो पूरे राजस्थान में हल्ला बोल के नाम से प्रदर्शन कर रहा है और बिजली की बड़ी दरों को वापस लेने की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी वृद्धि है। और अभी एक समाचार आया है कि अगले 3 महीनों में लोगों पर 300 से लेकर 800 रुपये का अधिभार लगाया जाएगा। ये निश्चित रूप से गरीबी में आटा गीला होने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ऐसे में सरकार इस तरह से बिजली की दरें जो वृद्धि कर रही है, उसके कारण लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। आम आदमी के, साधारण से साधारण आदमी के अगर 1,000 1,500 भी ला रहे हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और विपक्ष आज पूरे राजस्थान में प्रदर्शन कर रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिजली विभाग जोधपुर डिस्कॉम पहुँचे हैं, जहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वो सरकार
भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा अब बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक और राजस्थान के पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम मेघवाल हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। खेमाराम जी, किस तरह से इस प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेतासा बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई। अगले 3 महीनों में बताया जा रहा है कि 300 से 800 रुपये तक का अधिभार लोगों पर लगाया जाएगा, तो किस तरह का रोष है लोगों में और भाजपा क्या कर रही है विपक्ष के रूप में? पूरे राजस्थान के अंदर बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर के आम जनता परेशान है और ये दरें इतनी एक साथ बढ़ोतरी जो हुई है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यानी सिक्योरिटी के नाम से 6,000 रुपये, यानी कि हर तरह के किसी न किसी डोर बैकडोर एंट्री से ये तरह तरह के चार्ज लगा करके एक उपभोक्ता को जो परेशान किया हो उसको वो आर्थिक बोझ पर डाला है। ये सरकार जिस ढंग से काम करने जा रही है इसके विरोध में आज हमने अल्लाह बोल कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ ज्ञापन दिया है और 2 तारीख को हम SDM ऑफिस में ज्ञापन देंगे और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चाहती तो सरकार को घुटने के बल पर चलाने के लिए हमें जिला हेडक्वार्टर और राजस्थान के वहां सचिवालय में भी हमें घेराव करने की जरूरत पड़ी तो हम घेराव करेंगे। महाराज जी, लोग उम्मीद कर रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, जब भी अभी एक न्यूज आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अगले 3 महीनों में 300 से लेकर 800 रुपये तक का अधिभार भी लोगों पर लगाया जा सकता है, इसके खिलाफ किस तरह से विरोध किया जाएगा? ये सरकार आने के बाद आम उपभोक्ता परेशान है, ये बिल में ढील देने की तो बात अलग है, इन्होंने अलग से सरचार्ज लगाया है और इन्होंने अलग से हर बिल के पीछे 6,000 रुपये की सिक्योरिटी के नाम से एक बैकडोर एंट्री से जो आम आदमी आम उपभोक्ता पर जो ये लगाया है इसे आम उपभोक्ता परेशान है। इस बेरोजगारी के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर कोई सोर्स नहीं है, आम आदमी के पास कोई कमाने का साधन नहीं है और सरकार बैठी हुई है, किसी को बेरोजगारों को रोजगार नहीं है। ये चुनाव में आने से पहले इन्होंने घोषणा की थी कि हम बिजली के दरें नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने यही घोषणा की थी कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, बिजली के बिल माफ करेंगे। वसुंधरा सरकार ने हर महीने 3,000 रुपये का जो बिल माफ करने का जो निर्णय लिया था उसको भी रोक दिया गया है। ये इस तरह की जो चाल चल रहे हैं और आम उपभोक्ताओं को परेशान करने का जो काम कर रही है, हम सरकार के विरोध के अंदर जनता के बीच के अंदर हम जाएंगे, रोड पर आएंगे और सरकार को घुटने के बल चलने के लिए मजबूर करेंगे। मंडल अध्यक्ष पवन जी महेश्वरी हमारे साथ है। पवन जी, ज्ञापन में किस तरह की मांगे रखी गई है? ज्ञापन में हमने ये रखा है कि जो फरवरी के अंदर में 12 पैसे प्रति यूनिट रेट बढ़ाई दी गई और अभी बैकडोर से फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया है, 30 पैसे की बजाय 58 पैसे कर दिए गए हैं, इससे आम उपभोक्ता के बिल पे 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये का फर्क पड़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध में ही हमने आज ये ज्ञापन दिया है। जो राजस्थान सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 5 साल में बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे और इन्होंने 1.5 साल में 2 बार बिजली की दरें बढ़ा करके और ये जनता पर कुठाराघात किया है। निश्चित रूप से जनता पे कुठाराघात है, क्योंकि वैसे ही कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान लोगों को है। ऐसे में बिजली के बिल जिस लोगों के आ रहे हैं, साधारण घर में 1,000-1,500 के बिल आ रहे हैं, लोगों के 10-10,000 रुपये के बिल आ रहे हैं और इस तरह से लगातार अधिभार के रूप में अलग अलग टैक्स के रूप में जो बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है उसके खिलाफ पूरे राजस्थान में लोगों में विरोध है। और मैं चाहूँगा कि केवल भाजपा के कार्यकर्ता या अधिकारी प्रदर्शन नहीं करें, आम जनता जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि गहलोत सरकार क्यों लूंगने वाली है। आज बहुत बड़ा प्रदर्शन भाजपा के द्वारा किया गया, गांधी चौक में पुतला फूंका गया, उसके बाद में जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया जिसमें अपनी मांगे रखी गई। ऐसे में शिव कुमार तिवारी, प्रेस विभाग, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।